नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। हमीरपुर के छोटी जुलहेटी में पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चचेरे भाई ने बहनोई और साथी के साथ वारदात को दिया था अंजाम। प्रेम प्रसंग के चलते बहन की करी थी हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को असले के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर के सीकरी गांव में बस स्टैंड पर खेल रहे बच्चे को स्कूली बस ने कुचला। बच्चे की मौके पर ही मौत। उत्साह ग्रामीणों ने बस चालक को पकड़कर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए घंटों जाम लगाया। देहात एसपी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा के अहिल्यांज गांव में नाबालिग बच्ची की हत्या का एसएसपी अभिषेक यादव ने किया खुलासा। पुलिस ने संदीप नामक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने कबूला जुर्म। बलात्कार के बाद हत्या को दिया था अंजाम। जंगल में फेंका गया था शव। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अलीगढ़ के चित्रौली मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने घायल को निजी अस्पताल में एडमिट करवाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। जीवित वृद्ध को कागजों में मृत घोषित दिखाया। बंद कर दी वृद्ध पेंशन। नाराज वृद्ध ने डीएम से लगाई गुहार। कहा मैं अभी जिंदा हूं, फिर से शुरू कर दी जाए मेरी पेंशन। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे के नीचे सैकड़ों किसानों ने दिया धरना। किसानों ने तीनों प्राधिकरण में जमकर घोटाले का लगाया आरोप। किसानों का कहना नहीं मिल रहा है युवाओं को रोजगार। जमीन अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे की भी दर में उचित मांग की है। कासगंज के योग मार्ग पर मंदिर में पूजा करने जा रहे युवक के साथ मारपीट का मामला। दूसरे समुदाय के लोगों ने युवक को जमकर पीटा। बाइक से छींटे आने पर मारपीट की घटना को दिया गया अंजाम। क्षेत्र में भड़की हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, बाजार में जमकर तोड़फोड़। बाजार को बंद करवाया गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में किसान की गन्ने की खेत में पिटाई करने के बाद गला रेतकर हत्या। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। परिवार ने पड़ोसी पवन नाम के व्यक्ति पर हत्या का लगाया। आगरा के आगरा मुंबई हाईवे स्थित सैया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने प्राइवेट बस में मारी भीषण टक्कर। हादसे में 12 लोगों से ज्यादा घायल होने की खबर। आगरा से मुरैना मध्य प्रदेश जा रही थी बस।